हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वीडियो 2 लेकर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वीडियो 2। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वीडियो नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था इंट्रोडक्शन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है और साथ साथ में पेटेंट का पार्ट हमने कवर किया था। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन ऐड कर रहा हूँ, उसमें से आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट का मतलब एक ऐसा राइट है जो एक क्रिएटर को मिलता है कि उसने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो आज से पहले किसी और ने क्रिएट नहीं किया था या फिर जो कोई ओरिजिनल वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक बुक लिखी है जिसका नाम है कैन यू फॉरगेट योर फर्स्ट लव और उसके कॉपीराइट्स मेरे पास हैं, तो इसका मतलब ये सिग्निफाई होता है कि ये जो बुक है ये मेरी खुद की क्रिएशन है और मैंने उसका कोई भी मटेरियल कॉपी नहीं किया हुआ, तभी उसके कॉपीराइट्स मेरे पास है। इसके साथ साथ मेरे पास एक और राइट भी मिलती है कि मेरी बुक कोई और यूज़ करना चाहे, जैसे रिप्रोड्यूस करने के लिए, रीसेल करने के लिए या उसकी जेरोक्स कॉपी करने के लिए, तो वो मेरी परमिशन के बिना उसको यूज़ नहीं कर सकता या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता या रीसेल नहीं कर सकता या कोई और इसका डेरिवेटिव वर्क भी नहीं कर सकता। तो उसके एक्सक्लूसिव राइट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिसने वो लिखी है, जो उसका ऑथर है, जो कि इस केस में मैं हूँ, तो मुझे मिलता है। तो ये एक एग्जांपल था कॉपीराइट का। वैसे म्यूजिक वर्क में भी जिसने गाना लिखा है या गाना बनाया है, कंपोजर है, उसको कॉपीराइट मिलता है। तो कॉपीराइट एक राइट होती है जिसकी मदद से जो पर्सन, जो क्रिएटर है, उसके पास एक अधिकार होता है कि उसका काम जो है कोई और चोरी ना कर पाए, कोई और कॉपी ना कर पाए उसकी परमिशन के बिना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कॉपीराइट की डेफिनेशन है कॉपीराइट एक्ट के अंदर सेक्शन 14 के अंदर, जो आपको अभी दिख रही होगी, जो एक्सक्लूसिव राइट देते हैं किसको, जो ऑथराइज पर्सन है क्या करने का, उसको या उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपना राइट किसी और को दे भी सकता है। किसके रिलेटेड राइट? एक लिटरेचर आइटम के लिए, दैट इज मैंने इससे बुक लिखी है तो वो लिटरेचर आइटम हो गई। ड्रामेटिक वर्क के लिए, म्यूजिक वर्क के लिए, आर्टिस्टिक वर्क के लिए, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म के लिए या साउंड रिकॉर्डिंग, इन सब के लिए एक कॉपीराइट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी चीज़ें देखोगी, आप टेलीविजन शो भी देखते होगे तो उसमें लास्ट में कॉपीराइट्स आते हैं, के जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, तो लास्ट में जब एंड क्रेडिट्स आते हैं उससे पहले कॉपीराइट लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो शो है इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द प्रोड्यूसर्स, जो उनके उन्होंने प्रोड्यूसर है उनके लिए है, कोई और उसकी कॉपी नहीं कर सकता विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। इन द सेम वे, अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं तो अगर आप कोई सॉन्ग यूज़ कर रहे हैं विच इज़ कॉपीराइट इन द नेम ऑफ यूट्यूब और एनी अदर पर्सन, तो अगर आप उनको क्रेडिट दिए बिना अगर आप कोई यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास भी कॉपीराइट का मेल आता होगा कि आपने ये चीज़ की है। अगर आप इसको मोनेटाइज करना चाहते तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो क्रिएशन किसका है? किसी और का है जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो कॉपीराइट की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है। ये किस किस के लिए होता है मैंने आपको बताया। कॉपीराइट मिलता है लिटरेरी आइटम के लिए, जैसे बुक हो गए, कोई बुक लिख रहे हैं तो उसके लिए कॉपीराइट्स होते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग के लिए कॉपीराइट्स होते हैं। म्यूजिक के लिए कोई भी रिलेटेड चीज़ होती है उसके लिए कॉपीराइट्स होते हैं। इन द सेम वे सिनेमेटोग्राफी फिल्म होती है उसके लिए भी, इन द सेम वे कोई आपने फोटोग्राफ खींचा है उसके लिए भी कॉपीराइट हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए कॉपीराइट्स यूज़ होती है। अभी आपने डेफिनेशन तो समझ ली, अब हम लोग समझते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। अब फीचर्स आप थिंक नहीं, तो सबसे पहले मैंने अभी आपको समझाया कॉपीराइट का एक इनटेंजिबल राइट है जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, तो इसलिए इनटेंजिबल राइट कहा गया है। दूसरा, इट्स एन एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट मिलता है जिसके पास कॉपीराइट होता है, उसके पास मोनोपोली होती है, समझ लो एक तरह से एक मोनोपोली है कि हाँ भाई मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो उस चीज़ की मोनोपोली मेरे पास ही है, तो उसके पास मोनोपोली होती है कि और उसकी परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकता है। कॉपीराइट कंसिस्ट ओनली इन ओरिजिनल वर्क, मैंने अभी आपको समझाया ओरिजिनल वर्क के लिए ही कॉपीराइट मिल सकता है, कॉपीड वर्क के लिए कॉपीराइट मिलता नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स द ओनर फ्रॉम ओरिजिनल वर्क, के कोई और कॉपी ना कर ले उसकी परमिशन के बिना, इसके लिए भी कॉपीराइट बहुत जरूरी है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस राइट्स इन सेम वर्क, एक ही चीज के लिए बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, मतलब समझ लो अभी हम लोग पढ़ेंगे 8 राइट्स मिलते हैं, कि समझ लो कि मेरे पास कोई चीज का कॉपीराइट है तो मेरे पास 8 एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उसके रिलेटेड, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे वो लिखा, इट गिव्स 8 एक्सक्लूसिव राइट्स टू कॉपीराइटर। पहला राइट टू रिप्रोडक्शन, मतलब अगर कोई चीज़ अगर मेरे नाम पे कोई कॉपीराइट है तो वो चीज़ की रिप्रोडक्शन की राइट सिर्फ मेरे पास है, मैं किसी को देना चाहूँ तो दे सकता हूँ लेकिन मेरी बिना परमिशन के वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हो सकता बिना कॉपीराइट के परमिशन के।
राइट टू मेक डायरेक्टिव, उससे में से कोई डायरेक्टिव वर्क प्रोड्यूस करना है तो भी पॉसिबल है, लेकिन ओनली आफ्टर कॉपीराइट परमिशन. पब्लिकली परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल कोई शोज होते हैं, मूवीज है, उसको शोज के फॉर्म में पब्लिकली परफॉर्म करते हैं. अगर आप मुंबई गए होंगे तो वहाँ पे पृथ्वी टॉकीज है, तो बहुत सारी बुक्स के जो नॉवेल्स होती हैं उसको वो लोग शोज के फॉर्म में पब्लिकली परफॉर्म करते हैं, जो बहुत ही आर्टिस्टिक वर्क होता है, उसके लिए भी कॉपीराइट्स होते हैं. राइट टू फॉलो, ऑफकोर्स फॉलो करना है तो उसके लिए भी कॉपीराइट होते हैं. पैटर्निटी, आगे मतलब मेरे को किसी से मिले हैं, मेरे पापा ने मेरे को दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कॉपीराइट की वैलिडिटी 60 ईयर्स की होती है एंड ट्रांसफरेबल होता है. सुई जनरस राइट, अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, इसके अंदर के जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट ना किया जाए तो भी मैं कर सकता हूँ. इन द सेम वे कॉन्टेंट अगर आप चाहें तो उसके लिए भी परमिशन आप ग्रैंड करें या नहीं करें, वो कॉपीराइट जिसके नाम पे है वो उसके परमिशन पे डिपेंड करता है कि वो देना चाहे कि नहीं देना चाहे. इन द सेम वे प्राइवेटली कॉपिंग, जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, बुक्स की जेरॉक्स करा देते हैं या फोटो कॉपी करा देते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड. अगर हमने जो ओरिजिनल ओनर है उसकी परमिशन नहीं ली है तो उसकी परमिशन के बिना हम लोग फोटो कॉपी भी नहीं करा सकते लीगली. इंडिया में बहुत ज़्यादा ये फॉलो नहीं हो पाता है, स्टूडेंट्स बहुत है, स्टूडेंट्स कॉपी कराते हैं बुक्स की या जेरोक्स करा लेते हैं, विच इज़ लीगली नॉट अलाउड. तो कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो होता नहीं है, अलग बात है. लेकिन लीगली जो फोटो कॉपी करवा रहा है एंड फोटो कॉपी कर रहे हैं, वो दोनों गलत कर रहे हैं लीगली. ठीक है, ये कॉपीराइट का आपको जनरल आइडिया मिल गया होगा. अब हम लोग समझते हैं कॉपीराइट के किसको मिलती है, मतलब ये जो राइट है किसको मिलेगा. तो मैंने भी आपको बताया, जैसे मैंने बुक लिखी है तो उसका कॉपीराइट किसके नाम पे है, मेरे नाम पे है. तो जो ओनर होता है, ओनर कौन होता है, जो उसको क्रिएट करता है, तो क्रिएटर के नाम पे हमेशा कॉपीराइट के राइट्स मिलते हैं. तो जैसे ऑथर ऑफ द बुक, बुक के केस में कॉपीराइट का कॉपीराइट किसको मिलता है, ऑथर को मिलता है. म्यूजिक के वर्क में जो पर्सन म्यूजिक क्रिएट कर रहा है, दैट इज कंपोजर जो है, उसको कॉपीराइट मिलता है कि हाँ भाई उसके पास अथॉरिटी होती है कि हाँ भाई वो कैसे उस गाने को म्यूजिक वर्क को कैसे कंपोज करेगा. तो जो कंपोजर तो उसके पास सारी कॉपीराइट्स होती है. इन द सेम वे कोई भी पर्सन है, जैसे फोटोग्राफ हो गया तो जो आर्टिस्ट है उसके केस में, फोटोग्राफ के केस में फोटोग्राफर मैंने आपको समझा ही दिया. कोई मूवी हो गई तो मूवी में जो सीन है सब कुछ, मूवी में सब कुछ होता है प्रोड्यूसर के पास. जो कॉपीराइट्स के राइट होते हैं किसके पास होते हैं, प्रोड्यूसर के पास. इसलिए प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा कमाता है क्योंकि सारे के सारे राइट्स उसके पास होते हैं. अगर वो समझ लो कि कोई सॉन्ग है तो अगर वो प्रोड्यूसर है तो उसको अगर रिकम्पोज करना है तो उसके पास अगर राइट्स है, टिप्स है, टिप्स एक कंपनी है, वैसे टी सीरीज एक कंपनी है, तो वो उसने कोई गाना बनाया है बराबर. अगर दूसरे पर्सन को वापस वो गाने को बनाना है या सेम गाने को रखना है, जैसे रीमेक करना है, तो उसको राइट्स लेनी पड़ेगी किससे, टी सीरीज से. तो टी सीरीज को बहुत सारा पैसा उसको देना पड़ेगा, उसके बाद वो परमिशन लेगा कि हाँ भाई मेरे को कॉपीराइट्स आपने मेरे को बेचे हैं कि हाँ भाई मैं इसको रीमेक कर सकता हूँ या फिर इसका कवर कर सकता हूँ एंड सो ऑन. जो भी टर्मिनोलॉजीज आपको बॉलीवुड में होती है मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो भी है वो आप समझ रहे हैं. तो उसके लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं उसको पैसे मिलते हैं क्योंकि कॉपीराइट्स उसके पास है. इन द सेम वे कंप्यूटर प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर क्रिएटर होता है, जैसे कोडर होता है, वो कोड क्रिएट करते हैं, वो प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, तो उसकी कॉपीराइट उसको मिलते हैं. ऑफकोर्स अगर वो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, कंपनी के बिहाफ पे कर रहा है, तो उसकी कॉपीराइट्स कंपनी को मिल जाएगी. आगे देखेंगे तो पेपर सेटर, जो पर्सन पेपर सेट करता है उसकी कॉपीराइट पेपर सेटर को मिलती है. और इसके अलावा कोई भी हो तो वो फर्स्ट ओनर जो भी होगा उसको मिल जाएगी. अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट्स की. ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट्स का मतलब ये होता है कि अगर मेरे को कोई कॉपीराइट मिला है तो मेरी वो उसकी वैलिडिटी कितने साल तक रहेगी, क्योंकि वो नाम मेरे साथ कितने साल तक जुड़ा रहेगा, उसको ड्यूरेशन बोलते हैं कॉपीराइट का. तो ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट की बात करें तो उसमें कितने साल तक होती है, 60 ईयर्स एक कीवर्ड है या थंब रूल हम लोग 60 ईयर्स रखेंगे. तो कहने का मतलब कोई भी पब्लिश्ड वर्क है, जैसे कोई लिटरेचर का वर्क है, कोई ड्रामेटिक वर्क है, तो उसमें 60 ईयर्स की वैलिडिटी रहती है. कहने का मतलब जो ऑथर है उसकी लाइफ टाइम तक तो रहेगा, मरने के बाद भी 60 इयर्स तक कॉपीराइट उसके नाम पे रहने वाला है. तो वो लिखा है, देखेंगे. देखिए, टर्म्स ऑफ कॉपीराइट पब्लिश्ड लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क, तो 60 इयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कैलेंडर ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द ऑथर डाइज. मतलब जब तक जिंदा है तब तक तो रहेगा ही ऑफ कोर्स उसके नाम पे, लेकिन मर जाता है उसके बाद भी 60 साल तक उसके नाम पे ही रहने वाला है. इन द सेम वे कोई एनोनिमस या स्यूडोनिमस वर्क है. एनोनिमस वर्क मतलब ऐसा पर्सन जिसने अपना नाम नहीं डिस्क्लोज नहीं किया कि हां भाई ये वर्क किसने लिखा है, तो उसको एनोनिमस बोलते हैं. और वैसे स्यूडोनिमस मतलब वो अपना रियल नाम डिस्क्लोज नहीं करता, वो अपना पेन नेम डिस्क्लोज करता है. फॉर एग्जांपल, मेरा रियल नेम हिमांशु नंदवानी है, लेकिन मैं अपने कोई भी जो वर्क है उसमें अगर मैं हिमांशु नंदवानी यूज ना करूं, कोई और
सुडोनिम या पेन नेम यूज़ करो तो उसको सुडोनिम बोलते हैं। तो अगर सुडोनिमस या एनोनिमस चीज भी है तो उसमें भी 60 ईयर्स के क्राइटेरिया है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। तो वो लिखा है कितना 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर नेक्स्ट फॉलोइंग द ईयर इन विच द वर्क इज पब्लिश्ड। इन द सेम वे पोस्थमस, पोस्थमस का मतलब क्या होता है कि मरने के बाद अगर कॉपीराइट ग्रांट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया है और मेरी डेथ हो गई 2 महीने के अंदर, लेकिन कॉपीराइट मिलता है 6 महीने या 1 साल तक लगता है, 1 साल के बाद अगर कॉपीराइट आया तो मैं मर गया उसके बाद अगर कॉपीराइट मेरे को ग्रांट हुआ है तो भी 60 ईयर्स फ्रॉम द डेट फ्रॉम इट्स पब्लिश, जब से पब्लिश हुआ तो 60 साल की वैलिडिटी देने वाली, तो आप इसे 60 ईयर्स आपको याद करना है। तो लिखा है 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द कैलेंडर नेक्स्ट द फॉलोइंग इन द वर्क इज फर्स्ट पब्लिश, जैसे पब्लिश हुआ उसके 60 ईयर्स तक। फिर इन केस ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में भी 60 ईयर्स, जब से वो पब्लिश हुआ तब से 60 ईयर्स की वैलिडिटी उसकी जाती है। सिनेमेटोग्राफी फिल्म में भी 60 ईयर्स, मैंने आपको बताया 60 ईयर्स थंब रूल है, सब में 60 ईयर्स याद रखना है। और वैसे इन केस ऑफ रिकॉर्ड्स में भी 60 ईयर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग, जब से वो पब्लिश हुई है तब से। तो इतना सिंपल सा है आप लोग का क्राइटेरिया कॉपीराइट का, 60 ईयर्स एक थंब रूल है, वो याद किया, काम खत्म। अब बात करते हैं ट्रेडमार्क क्या होते हैं। तो ट्रेडमार्क बहुत ही रिलेटिवली इजी कंसेप्ट है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो तो ट्रेडमार्क एक ऐसा मार्क होता है जो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल नाइकी, नाइकी का जो टिक मार्क है तो वो क्या है, उसका एक ट्रेडमार्क है जिससे कोई भी जो कस्टमर है या पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है कि हाँ भाई ये नाइकी के शूज़ हैं। समझ में आती है ये ब्रांड किसका है, नाइकी का है, नाइकी का टी शर्ट है। क्यों? क्योंकि उसका जो मार्क है वो सिग्निफाई कर रहा है उसके ब्रांड को। तो ट्रेडमार्क एक लोगो भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो हेल्प करता है पब्लिक को एक ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में, रिकग्नाइज करने में, उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। सिंपल है, कई जगह आपने लिखा होगा, देखा भी होगा कि हाँ भाई नाम लिखा होता है और ब्रैकेट में छोटा सा या गोले में TM लिखा होता है, तो TM इज नथिंग बट ट्रेडमार्क, कि हाँ भाई ये जो डिज़ाइन है या ये जो लोगो है वो ट्रेडमार्क है। जैसे रिलायंस का R हो गया, मैकडॉनल्ड्स का बड़ा सा M हो गया, स्टारबक्स की जो मरमेड है वो हो गई, ये सब ट्रेडमार्क है, ये सब लोगोज हैं जो ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। उसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है एप्पल। एप्पल अपने ट्रेडमार्क को यूज़ करके ही कितने प्रोडक्ट बेचता है वो आपको भी पता होता है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ एप्पल के लोगो के लिए ही एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, बहुत सारे लोग, तो वो एक स्टेटस सिंबल बना दिया है उसने, तो वो भी क्या एक ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब उसकी डेफिनेशन समझते हैं। अ डिस्टिंक्टिव सिंबल दैट आइडेंटिफाइज पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक डिस्टिंक्टिव सिंबल है जो हेल्प करता है एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेडर को चाहे जनरल पब्लिक को। दिस सिंबल में कंसिस्ट ऑफ डिवाइस भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मैंने आपको बताया लोगो भी हो सकता है। क्लियर है? अब समझते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, ट्रेडमार्क इज अ मस्ट बी अ मार्क, मैंने आपको बताया ट्रेडमार्क क्या एक मार्क भी हो सकता है, चाहे लेबल भी हो सकता है, सिग्नेचर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे VK18, तो VK क्या होगा, अल्फाबेट्स हो गए, 18 नंबर भी हो गया, तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। क्या चीज? ट्रेडमार्क। इट इज मार्केबल, मार्क केपेबल ऑफ बींग रिप्रेजेंट ग्राफिकली, पर एक ऐसा मार्क होना चाहिए जिसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सके। इट मस्ट बी यूज इन रिलेशन टू गुड्स, और मतलब ट्रेडमार्क को आप, ट्रेडमार्क जनरली ऐसा होता है जो आपके गुड्स को बेचने के लिए या गुड्स को आइडेंटिफाई करने में, पब्लिक को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है। इट मस्ट बी रिलेटेड टू गुड्स, जब कोई कंपल्सरी नहीं है लेकिन ऐसा होता है कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू गुड्स। आगे कमर्शियल एसेट, और ये मैंने आपको बताया चाहे कॉपीराइट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, चाहे पेटेंट हो, सबके सब कमर्शियल एसेट है। जैसे कोई फिजिकल एसेट होता है वैसे ये भी इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन है एसेट ही जिसको हम लोग बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, आगे गिफ्ट दे सकते हैं। इतनी इसकी वैल्यू है जिसकी जैसे कोई फिजिकल एसेट की होती है। मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू और ज़्यादा है क्योंकि ये दिखता नहीं है फिर भी बहुत वैल्यूएबल है। नाइकी से आप पूछिए कि उसके लोगों की वैल्यू कितनी है तो आपको समझ में आएगा। एप्पल से पूछिए उसके लोगों की वैल्यू कितनी है तो वो समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है उसका ट्रेडमार्क। इन द सेम वे वैल्यूबल प्रॉपर्टी, मैंने आपको समझाया सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कोई चीज़ होती है किसी कंपनी के लिए तो उसकी रेपुटेशन है, उसकी वैल्यू, उसका लोगो। अदर फीचर्स में मैंने आपको बताया इट कैन बी इन्वेंटेड वर्ड भी हो सकता है, मार्क भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है। ट्रेडमार्क जो होता है वो हेल्प करता है कि हमारे प्रोडक्ट को क्वालिटी, जैसे ब्रांड है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट है या कंपनी का प्रोडक्ट है, तो हमको कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि ये क्वालिटी सिग्निफाई करता है। ये जो जैसे टाटा और टेस्ला दोनों अपने ट्रेडमार्क में टी यूज़ करते हैं, लेकिन हमको मालूम पड़ता है कि हाँ भाई ये टी लिखा है मतलब ये टाटा मोटर्स की गाड़ी है, और अलग टाइप का टी लिखा हुआ तो वो टेस्ला मोटर्स की गाड़ी है। दोनों ही टी यूज़ कर रहे हैं लेकिन दोनों का टी लिखने का तरीका अलग अलग है, दोनों अपने ब्रांड को
बता रहे हैं। द सेम वे एच लिखता है हुंडई भी, एच लिखता है होंडा भी, लेकिन दोनों का तरीका अलग है एच लिखने का। तो एक एच हम अगर एक एच का लोगो हम लोग देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई ये क्या है, हुंडई की गाड़ी है, और एक एच देखेंगे तो हम लोग को मालूम पड़ेगा होंडा की गाड़ी है। तो ऐसा कहा जाता है कि देयर मस्ट बी सम नेक्सस, कुछ नेक्सस होना चाहिए प्रोडक्ट के बीच में और ट्रेडमार्क के बीच में। तो लिखे इट मस्ट शो सम नेक्सस, नेक्सस होना चाहिए गुड्स के बीच में और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बीच में, और लास्ट में ट्रेडमार्क में इंक्लूड शेप ऑफ गुड्स, गुड्स भी हो सकता है, पैकेजिंग भी हो सकती है जो हमारे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे, ऐसी कोई पैकेजिंग भी हो सकती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मुझे उम्मीद है आपको कॉपीराइट और ट्रेडमार्क दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपके कोई भी एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।